मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भैया इर्तदा और समन कराची आ रहे हैं। सच? हाँ, और वो मास की सालगिरह यहाँ करना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छी खबर सुना दी आपने। इर्तदा चाह रहा है कि सबा की मंगनी भी साथ कर दीजिए। आमिर से? हाँ, उसको लड़का अच्छा लगा है और लड़के के माँ बाप रिश्ते की बात पक्की करने आ रहे हैं। लेकिन सलमा आपा सफीर का रिश्ता लेके अम्मा के पास आई थी। लड़का उसका देखा वाला है, तारीफ कर रहा था, तो तुम सबा से बात करके तो देखो। ठीक है, मैं सबा से बात कर लूंगी। वाओ, फ्रेंच टोस्ट आपने मिला? जी। गुड। अम्मा इतने अच्छे रिश्ते से इनकार की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। तुम्हारी बात ठीक है शफीक, मगर सबा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। लेकिन बगैर माकूल वजह के इनकार करना भी तो अच्छी बात नहीं है अम्मा, और वैसे भी आमिर हम सबको पसंद है। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, यहाँ पर बात तुम्हारी, मेरी या इर्तजा की पसंद की नहीं है। असल अहमियत सबा की पसंद की है। बस तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। हाँ, कैसे आपका है? सबा मना कर रही है, और आप लोग सबा के मना करने को मान गए? अंकल ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सबा को समझाएं, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसको अपने अच्छे बुरे का अंदाजा कब है? अंकल ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, प्लीज आप उसे समझाएं, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूं सबा से। हाँ तो कर ले वो पीएचडी, हम उसे रोक तो नहीं रहे, हम तो सिर्फ अभी रिश्ता तय करने की बात कर रहे हैं। दादू मना कर रही, उनको तो समझाना चाहिए उसे, वो क्यों इसकी तरफदारी कर रही है? सभा तो सिर्फ एक बचकाना सी जिद कर रही है और कुछ नहीं। ठीक है अंकल, मैं मना कर देता हूं, मैं रिश्ते से इनकार कर देता हूं अगर दादू की यही जिद है। मगर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते अंकल। ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या हुआ, सबा ने रिश्ते से इनकार कर दिया? हाँ, और दादू भी उसे समझा नहीं रही, कह रही है रिश्ते से इनकार करता हूँ। मैंने आपको कहा था वो रिश्ते से इनकार कर देगी। हाँ, मगर कोई खास रीजन तो हो ना। कोई रीजन नहीं है, सिर्फ बचकाना हरकत है, अहमकाना हरकत, फजूल। बारिश, गालिब की पोएट्री और सफेद रंग के अलावा भी आपको कुछ पसंद है? पूरी की पूरी समझ, उसकी हर बात, उसकी हर अदा, उसका हंसना, उसका रूप जाना और फिर मान जाना, सब कुछ। आपको पता है मैंने पैकिंग करनी है, आप भूल गए हमारी फ्लाइट है कल। कुछ नहीं आप, आमिर की मंगनी हो गई है। अच्छा, मुबारक हो सबा।
शुक्र है बारिश हो रही है, आपका मूड अच्छा होगा। इस बारिश में मेरा मूड अच्छा होता है। मुझे लगता है कुछ अर्से के बाद मेरी पूरी क्लोजेट वाइट ड्रेसेस के साथ भर जाएगी। इतना सही कहते हैं, लाल रंग ही मेरे लिए ठीक है। आप होते कौन है मेरा रिश्ता ढूंढने वाले? इतना मजाक कर रहे थे? नहीं समझ में आता मुझे मजाक, और इस तरह का मजाक करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। आज की बात ये बात आप मुझसे मत कीजिएगा, ना मजाक में और ना संजीदगी में। सच बताओ सबा, कोई ऐसा है जो तुम्हें पसंद है? क्योंकि ऐसा बिला वजह शदीद रिएक्शन किसी का नहीं होता। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। और ये क्या तुम्हारे हाथ में स्क्रैचेस पड़े हैं? चूड़ियां उतारते वक्त लग गए होंगे। और परफ्यूम? ये समझ कर मैं तुम्हारा परफ्यूम ले लूं? मोहब्बत करना और उसे पा लेना इतना आसान होता है? नहीं, इतना आसान नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको अपनी मोहब्बत मिलती है, और तुम उन लोगों में से एक हो। मेरा दिल चाहता है कि सबा हमेशा बहुत खुश रहे। सबा की जिंदगी में इतनी बड़ी बात हो जाए और मुझे पता ना, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू। क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। तुम चुप चुप क्यों? बस वैसे। इर्तज़ा, आपने कभी ये सोचा है कि मेरे अलावा भी आपसे कोई लड़की मोहब्बत कर सकती है? मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं है। और तुमने ये सवाल क्यों किया? बस वैसे ही। I mean, you're so handsome. और कोई भी लड़की आपसे मोहब्बत कर सकती है। समझ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए इतनी मुकम्मल है कि मेरी ये ख्वाहिश ही नहीं है कि लड़कियों को मैं हैंडसम या चार्मिंग नजर आऊं और वो मुड़ मुड़ के मुझे देखे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। लोगों का कहना है कि चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, सबका हाल एक जैसा होता है। लेकिन मेरा दिल ये कहता है समय, जितनी मोहब्बत मुझे तुमसे शादी से पहले थी, आज उससे कई गुना ज्यादा है। जब तुम्हें हंसता मुस्कुराता हुआ देखता हूं तो मेरा दिल बहुत खुश होता है, और जब मैं तुम्हें चुप और उदास देखता हूं जैसे शाम से देख रहा हूं, मेरा दिल भी उदास हो जाता है। आपने फिर शेर व शायरी शुरू कर दी। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इर्तज़ा, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है जब आप रोजाना इस मोहब्बत का इजहार मुझसे करते।
मैं अपनी जिंदगी के हर रोज इस मोहब्बत का इजहार करता रहूंगा। I love you so much. I love you too. Rock my baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bell breaks, the cradle will fall. तैयार हो गए तुम लोग? वे देखें तो सा मास कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह। और उसकी माँ तो बिल्कुल शहजादी लग रही है। रेडी हो गए आप लोग? चलें? चलो। Yes, we're ready इसे to go. मुझे दे दो। नहीं, मैं तो नहीं दूंगी आपको। अच्छा, फिर मैं जाऊं केक लेने? मैं भी आपके साथ चलूं? अपने मम्मी के लिए गजरे लेने? चलो। सबा, तुम भी चलो ना? चलो। सबा देखो छोटी सी फूलों की दुकान है। मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? इतना खुलाने दो। बस दो मिनट लगेंगे यार, मैं अभी आई। नैना तुम ही बुरे हो, तुम सा बुरा न कोई, आप ही प्रीत की आग लगाए। आपका चेंज आप ही बैठा रो। मौला
आगे यूं ही जल जाएंगे। जफर जी। दादा कैसी है माँ तेरी बेटे? डॉक्टर ने भी नींद का इंजेक्शन दिया है, कह रहे हैं जितना आराम करेंगे उतनी तबीयत ठीक रहेगी। अल्लाह ये कैसी आजमाइश ली थी तूने मेरे बच्चों के नसीब में मौला। इस घर से पहला जनाजा तो मेरा उठना चाहिए था, मेरी किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को जाता हुआ देखूं, अपने शफीक को औलाद का गम सहता हुआ देखूं, अपने इर्तजा का घर उजड़ता हुआ देखूं। अम्मा सब्र से काम, हम एक दूसरे का हौसला बनना, इस तरह हिम्मत नहीं हारनी। अब और आजमाइश नहीं मेरे अल्लाह, अब और इम्तिहान नहीं मेरे रब, अब और आजमाइश। सबा सबा कहाँ है बेटा? सबा अम्मा यहीं पर ही होगी वो। नहीं नहीं नहीं, मैंने उसको बहुत देर से नहीं देखा बेटा, जल्दी जाओ देख कर आओ वो कहाँ है। मैं देखता हूँ। अपने कमरे में चलो। काफी देर हो गई, आराम कर लो। अम्मा मुझसे तो खाने के लिए आप ही खिला दो। सारी जिंदगी मेरी समझ में चली गई और अब हमेशा के लिए चली गई अम्मा, हमेशा के लिए। रो सबा, एक ही बार दिल खोल के रो लो मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। जब से समन गई है एक आंसू नहीं बहा तुम्हारी आंख से।
मुझे रोना नहीं आता अम्मा। चाहूं भी तो नहीं। शायद कोई बद्दुआ है मुझे कि मेरी आंखों से आंसू नहीं बहते। जब आंखों से आंसू नहीं बहते ना अम्मा, तो वो दिल पे आकर गिरते। खुशियों को मेरी हाल लगी है। नहीं मेरे बेटे, ऐसा नहीं बोलो मेरी जान। ऐसा ही है अम्मा, मैं अपनी बहन की खुशियों से जल गई थी, उसे मेरी हाल लगी है। नहीं सबा बच्चे, हम सब की दुआओं में इतनी ताकत नहीं थी जितनी मेरी बद्दुआओं में थी। उस दिन जो मैंने कहा, जो मैंने चाहा, वो हुआ। नहीं नहीं जी अम्मा, वो ही हुआ। तुमने जो कुछ भी कहा था गुस्से में कहा था, जिस बात में आकर तुम्हारी नियत खराब नहीं थी मेरे बेटे। आप नहीं जानती अम्मा, मैंने समन को देखा, उसका खून किस तरह बहरा था आप नहीं जानती। वो किस तकलीफ में थी, तड़प रही थी, और उन आखिरी लम्हों में मुझसे माफी मांग रही थी, मुझसे सब से मुझसे माफी मांग रही थी। उसका इंतजाम नहीं डाले अच्छे। कह रही थी कब्र में बहुत अंधेरा है, तो मेरे पास आ जाओ सपना। समन चली गई है। हम सबको अब उसके बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मास को हमारी बहुत जरूरत है सब। नमाज पढ़ता देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है सबा।
बस मेरी जान, इसी तरह आप अपनी तमाम नमाजें बाकायदगी से अदा करती रहो। अल्लाह से जितना नजदीक होती चली जाओगी, उसी तरह धीरे धीरे तुम्हारे दिल को सुकून मिलता चला जाएगा। और अगर ज्यादा दिल परेशान हुआ करे मेरे चांद, तो तिलावत कलाम पाक कर लिया करो। मुझे अल्लाह माफ कर देगा। हाँ मेरा बच्चा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे चांद, ज्यादा मत सोचा करो मेरे बेटे। मैं आज अपने कमरे में सो जाऊं? क्यों बेटा, मेरे साथ नहीं सोगी? मैं ठीक हूं। मेरा दिल चाह रहा है कि अपने कमरे में सो जाऊं आज। अगर नींद ना आए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? दर्द हो रहा है कहीं, या उसको भूख लग रही है? इसको मां चाहिए। इधर आ जाओ मामा। दिन में बच्चा किसी के पास भी रह ले, रात को उसको मां की गोद चाहिए होती है बेटा। हां मामा मामा मामा। ओके 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 ओके। अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तुमने जॉगिंग एक्सरसाइज सब छोड़ दिए क्या? हाँ बस अभी मूड ही नहीं बन रहा अंकल, कुछ दिनों में करूंगा। ऑफिस में भी तवज्जो नहीं देते? मैं तो मलिया की वजह से घर पे हूँ, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना चाहिए ना। आई नो, मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पा रहा, जो कि देनी चाहिए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, कल से तो मैं खुद ऑफिस जाऊँगा। मुश्किल है, बहरहाल करना तो है ना। जी मैं तो सोच रहा हूँ कि अब जफर को भी वापस भेज दूँ, इसकी पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो रहा है। हम सबको अपनी रूटीन पे आना चाहिए, ये मास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ यस यू आर राइट। बीबी जान, मैं मास को लेने आया था। मास तो आजकल रोज सबा के पास सो रहा है। सबा के पास? वो सबा के पास बहुत सुकून से सो जाता है। सबा तो काफी डिस्टर्ब हो रही होगी, काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि भरोसे वाली आया मिल जाए। मेरी समन के बच्चे को आया पालेगी? नहीं इर्तिजा, सबा और मैं मिलकर संभाल लेंगे मास को। ये मुनासिब नहीं रहेगा बीबी जान, मास को फुल टाइम मेट की जरूरत है। मैं आप लोगों पर सारा बोझ नहीं डाल सकता। सबा,
सबा। अभी तो वो बेचारी थकी हारी यूनिवर्सिटी से आई है और तुमने उसे किचन में काम पे लगा दिया। तुम्हें मास की खिचड़ी खुद बनानी चाहिए थी। बेगम साहबा मैं क्या करूं? सबाबा जी उस बच्चे का मुझे कोई काम करने नहीं देती, हर काम खुद करती है, नहलाती धुलाती भी खुद है। मैं रात को उसे सुलाने गई, उसने मुझे वापस भेज दिया। उसका खाना भी खुद बनाती है और मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो मुझे डांट के वापस भेज देती है। बेगम साहबा मैं सच कह रही हूँ। ठीक है तुम जाओ। जी अच्छा। क्यों खामखा परेशान हो रही हो बेटा? अम्मा सबा ने माज को अपने साथ इतना मानूस कर लिया है कि अब वो उसके बगैर रहता ही नहीं है। कल को सबा की शादी वादी हो जाएगी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे हम सब। आपको पता है सबा के बगैर माज किसी के पास सोता भी नहीं है। अलीहा बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत दिनों से एक बात मेरी